हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्पायर ट्यूशन क्लासेस। आज हम आई टेक दिस वुमन नॉवल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। आई टेक दिस वुमन एक अंग्रेजी में ट्रांसलेट की गई हुई नॉवल है। यह राजेंद्र सिंह बेदी के द्वारा लिखी गई हुई एक उर्दू नॉवल एक चादर मैली सी, जो 1962 में लिखी गई थी, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। यह नॉवल खुशवंत सिंह के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है और उसके बाद यह नॉवल हिंदी, कश्मीरी और बंगाली भाषा में भी ट्रांसलेट की गई है। 1965 में इस नॉवल को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। यह नॉवल एक महिला की कहानी दर्शाती है जिसको मजबूरन एक अपने देवर से शादी करनी पड़ती है, जिसे वह अपने बेटे के समान मानती है। ओके, तो अब हम नॉवल में क्या क्या थीम है उसे जान लेते हैं। तो आई टेक दिस वुमन नॉवल में कई थीम्स है, जैसे कि वुमन सफरिंग, वुमन एक्सप्लॉयटेशन इत्यादि। महिलाओं पे जो भारतीय सोसाइटी का वर्चस्व है, उस बात को नॉवल की थीम के रूप में लिया गया है। इसके बाद हम कैरेक्टर्स के बारे में जाने तो रानो इस नॉवल का मुख्य किरदार है। गरीबी के कारण रानो के माता पिता उसे तिलोक नाम के व्यक्ति को बेच देते हैं। दूसरा कैरेक्टर है तिलोक का, जो रानो का हस्बैंड है और वह एक लॉरी ड्राइवर है और शराबी इंसान है। तीसरा कैरेक्टर आता है जिंदान का, जो रानो की सास है और अक्सर रानो को वो दहेज को लेकर भला बुरा कहती रहती है। चौथा कैरेक्टर है अजूर सिंह का, जो रानो के ससुर है। वो एकमात्र ऐसे इंसान है जो रानो के प्रति दया भाव रखते हैं, लेकिन अंध होने के कारण वह भी कुछ कर नहीं सकते। पांचवा कैरेक्टर मंगल का है। मंगल का कैरेक्टर इस नॉवल का टर्निंग पॉइंट वाला कैरेक्टर है। जो मंगल है वह तिलोक का छोटा भाई है और तिलोक की डेथ के बाद रानो को मजबूरन मंगल से शादी करनी पड़ती है। ओके, तो अब हम जानते हैं नॉवल की समरी। तो इस नॉवल की शुरुआत कोटला से होती है। कोटला जो पंजाब में है, वहाँ से होती है। गरीबी के कारण एक माता पिता अपनी बेटी रानो को तिलोक नाम के एक इंसान को बेच देते हैं और उसे बेचने के बाद उसके माँ बाप उसकी कोई परवाह नहीं करते कि रानो कैसी हो और क्या कर रही है। रानो को अपने ससुराल में बहुत टॉर्चर सहन करना पड़ता है। तिलोक जो रानो का हस्बैंड है, वो अक्सर पीकर आता है और रानो को मारता है। रानो की सास जिंदान भी दहेज को लेकर कई बार रानो को भला बुरा कहती रहती है और घर में अजूर सिंह एकमात्र ऐसे इंसान है जो रानो के प्रति दया भाव रखते हैं, लेकिन अंध होने के कारण वह कुछ नहीं कर सकते हैं। एक दिन की बात है जब तिलोक एक 13 साल की लड़की को एक धर्मशाला में छोड़ आता है और अगले ही दिन उस लड़की की मौत की खबर आती है। बेगुनाह होने के बावजूद भी तिलोक के ऊपर उसकी हत्या का आरोप लगता है और गुस्से में आकर उस लड़की का भाई तिलोक को मार देता है और उसे भी जेल हो जाती है। लेकिन तिलोक की मौत के बाद रानो और उसकी फैमिली पे बहुत ही बड़ा संकट आ जाता है। गांव के लोग और फैमिली वाले रानो को कहते हैं कि या तो वो मंगल से शादी कर ले या फिर यह गांव छोड़ के चली जाए। तो रानो को अपने बच्चों की फिक्र होती है, इसलिए वह गांव छोड़कर जाना नहीं चाहती और घर में रहना चाहती है। तो घर में रहने के लिए उसे मजबूरन अपने देवर मंगल से शादी करनी पड़ती है, जिसे वो अपने बेटे के समान मानती है। इस तरह सोसाइटी के दबाव में आके रानो को अपने बेटे के समान देवर से शादी करनी पड़ती है और यहाँ नॉवेल समाप्त होती है। इस तरह आई टेक दिस वुमन एक बहुत ही अच्छी नॉवल है जो महिलाओं के जीवन को प्रतीत करती है। नॉवल में भारतीय समाज के महिलाओं के प्रति व्यवहार को दर्शाया गया है और इस तरह
महिलाओं की परिस्थिति को दर्शाती